नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने प्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में पढ़ेंगे टेक क्वेश्चन। टेक क्या होता है? टेक क्वेश्चन होता है कि प्रश्न के अंत में जोड़ा जाने वाला शब्द, जो कि प्रश्न खत्म होगा उसके बाद हमारा शब्द जोड़ा जाएगा। इसे हम टेल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यानी कि पीछे वाला प्रश्न। यह दो प्रकार से होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सेकंड होगा हमारा नेगेटिव, यानी कि जब हमको क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रखा है तो उसका क्वेश्चन टेक बनेगा नेगेटिव में, और यदि हमको क्वेश्चन नेगेटिव में दे रखा है तो उसका टेक जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में। इस चीज का भी इस दर्शन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन टेक बनाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कौन सी है हम यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे ही हमने कहा था कि यदि वाक्य नेगेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, और वाक्य यदि आपका पॉजिटिव है उसका क्वेश्चन टेक बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो जब नेगेटिव बनेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमारा टेक क्वेश्चन बनेगा तो उसको नॉट के साथ लिख करके शॉर्ट में कैसे लिखना है हम वो चीज समझ रहे हैं। जैसे कि इज के साथ नॉट आएगा तो बचेगा इजंट, विल के साथ नॉट आएगा तो वांट, वर्क के साथ नॉट आएगा तो वरंट, मे के साथ नॉट आएगा तो मेंट, हैव के साथ नॉट आएगा तो हैवंट, नीड के साथ नॉट आएगा तो डिडंट, डेयर के साथ नॉट आएगा तो डेरंट, वुड के साथ नॉट आएगा तो वुडंट, फिर आएगा हमारा शेल के साथ नॉट आएगा तो शांट, यूज्ड के साथ नॉट आएगा तो यूजेंट, कैन के साथ नॉट आएगा तो कांट, कुड के साथ नॉट आएगा तो कुडंट, मस्ट के साथ नॉट आएगा तो मस्टेंट, माइट के साथ नॉट आएगा तो माइटेंट, ऑट के साथ नॉट आएगा तो ऑटेंट, और शुड के साथ नॉट आएगा तो शुडंट। कुछ और वर्ड्स भी है, हम अभी इनको इरेज करके आगे लिखते हैं। आगे क्या आएगा? आर प्लस नॉट आरंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, डू प्लस नॉट डोंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, एम प्लस नॉट आरंट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एम है और यहाँ नॉट है तो यहाँ एम एंट होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एम आई जो है सिंगुलर है और सिर्फ आई के लिए प्रयुक्त है, इसका पहला वर्ड ए शुरू हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको आरंट ही लिखेंगे। ये तो थे ये शॉर्ट फॉर्म कि हमको नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से हमको लिखना है। अब हम करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाक्य में टेक क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है नेगेटिव, क्या करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके पश्चात नॉट लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा उसको लिखेंगे। यानी सिर्फ तीन चीज लिखनी है, उससे हमारा नेगेटिव का क्या बनेगा टेक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद बात आती है पॉजिटिव की, पॉजिटिव क्या होगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, दो चीजें ही लिखनी है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे इसका टैग बना लेंगे। आगे क्या है हम एग्जांपल की सहायता से इसको और समझ लेते हैं। अभी थोड़ी देर में हम क्या है एग्जांपल करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव पहले करना है कि दे प्ले हॉकी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आप कहेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है की यानी कि हम करेंगे डू डज का इस्तेमाल। दे आ रहा है इसका लगेगा डू, है ना। तो डू के साथ नॉट लगेगा डोंट, और क्या है हमारा प्रोनाउन दे, तो टी एच ई वाई दे, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क लग गया। दे प्ले हॉकी तो उसका टेक बनेगा डोंट दे। उसी के साथ नेगेटिव का हम वाक्य करेंगे इट वाज नॉट अ गुड फिल्म, ये एक अच्छी फिल्म नहीं थी, इसका नहीं क्या थी, तो क्या करेंगे
हमने यहाँ पे लिखा हैप्पी और क्या है इसकी वाज, तो एक मिनट हम लिखेंगे वाज और प्रोनाउन क्या है इट, वाज इट, ये इसका बन गया टैग। बिल्कुल ही आसान सी भाषा में हमने ये टैग बना दिया। हमारा जो नया रूल है वो है कि नकारात्मक जो अर्थ बताते बताने वाले शब्द हैं जैसे कि नाइदर नोर नॉट नेवर नन नबडी नथिंग फ्यू लिटिल इन आदि शब्द यदि आएंगे तो इनका जो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में, सकारात्मक बनेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल करेंगे यू हैड नो फ्रेंड, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तो हम कहेंगे क्या तुम्हारे है, तो हम लिखेंगे हैड यू, ये इसका टैग बन चुका। अगर उन्हें सकारात्मक रिक्वेस्ट या कमांड जो आती है उसका टैग भी सकारात्मक या नकारात्मक टैग आता है, लेकिन क्या होगा कि जब नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड आएगी तो उसका जो टैग बनेगा वो सकारात्मक ही बनेगा। जैसे कि यहाँ आएगा सिट डाउन, तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट है आपका रूल कि लेट अस, अगर यदि आएगा तो उसके साथ शैल बी जो क्वेश्चन टैग है उसका प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर है लेट अस बी प्ले फुटबॉल, याद रहा है हमें टैग क्या लगाएंगे शैल बी, ये इस तरह से। यदि मूल कथन का कर्ता कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसका कर्ता भी कौन रहेगा, वही करता रहेगा जो कि मूल कथन में आया। जैसे कि सी रीड्स इंग्लिश, तो हम क्या बनाएंगे एक एस आ रहा है तो हो जाएगा डिडंट सी। बस अगर उन्हें सकारात्मक रिक्वेस्ट या कमांड जो आती है उसका टैग भी सकारात्मक या नकारात्मक टैग आता है, लेकिन क्या होगा कि जब नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड आएगी तो उसका जो टैग बनेगा वो सकारात्मक ही बनेगा। जैसे कि यहाँ आएगा सिट डाउन, तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट है आपका रूल कि लेट अस, अगर यदि आएगा तो उसके साथ शैल बी जो क्वेश्चन टैग है उसका प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर है लेट अस बी प्ले फुटबॉल, याद रहा है हमें टैग क्या लगाएंगे शैल बी, ये इस तरह से। यदि मूल कथन का कर्ता कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसका कर्ता भी कौन रहेगा, वही कर्ता रहेगा जो कि मूल कथन में आया। जैसे कि सी रीड्स इंग्लिश, तो हम क्या बनाएंगे एक एस आ रहा है तो हो जाएगा डिडंट सी।